Good morning students. Today we continue our chapter synthetic fiber and plastic. Okay. Last जो हमारे lectures थे उनमें हम study कर रहे थे synthetic fiber. Synthetic fiber में हम study कर चुके थे nylon and rayon. आज हम discuss करेंगे polyester. Okay. Polyester क्या है? आपका synthetic fiber है. Okay. आपने study किया था polymer. आपको पता है poly का meaning क्या था? Many और mer का meaning क्या था? Units. सेम वही है आपका पॉलीएस्टर. पॉली मतलब मैनी, एस्टर आपका एक केमिकल सब्सटेंस है. तो जो पॉलीएस्टर है वो किससे बना होता है? बहुत सारी एस्टर की यूनिट्स को कंबाइन करने से. क्लियर? जैसे पॉलीमर बना था आपका, उसी तरह से आपका जो पॉलीएस्टर है वो फॉर्म होता है. ओके. जो पॉलीएस्टर है ये केमिकल है जो फ्रूट जैसे स्मेल देता है आपको. ओके. तो अभी राइट डाउन कर लेते हैं फर्स्ट पॉलीएस्टर. तो पॉलीएस्टर किससे बना है? पॉली प्लस एस्टर से. क्लियर? पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी. तो पॉलीएस्टर की डेफिनेशन क्या राइट डाउन कर सकते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मैनी यूनिट्स ऑफ एस्टर केमिकली. अगर हम बहुत सारी एस्टर की यूनिट को केमिकली जॉइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? पॉलीएस्टर. क्लियर? और पॉलीएस्टर क्या है? इट इज अ केमिकल विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल. जैसी स्मेल आपकी फ्रूट से आती है वैसी ही स्मेल आपका क्या देता है? पॉलीएस्टर देता है. क्लियर? फर्दर हम स्टडी करते हैं. अब पॉलीएस्टर क्या है? आपका सिंथेटिक फाइबर है. ये कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर है. जैसे आपका नायलॉन था, इसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है आपका पॉलीएस्टर में. ओके. सो अब हम स्टडी करते हैं पॉलीएस्टर की प्रॉपर्टीज, कि क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हमने इसको यूज किया. ओके. तो पॉलीएस्टर आपकी प्रॉपर्टीज देखिए. पॉलीएस्टर की ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है आपका. ओके. ड्यूरेबल है. ड्यूरेबल का मीनिंग कि लंबे समय तक आप इसको यूज कर सकते हैं. ओके. इजी टू वॉश एंड ड्राई. आसानी से वॉश हो जाता है और ड्राई हो जाता है. Easy to wash and dry. Okay. और कैसा है आपका? Resistant to chemical. Chemical को resist करता है. Resistant to chemicals. Do not wrinkle. इस पर wrinkle नहीं आते. जैसे आपके क्लोथ्स पे रिंकल आ जाते हैं, झुरियाँ आ जाते हैं, आपको आयरन करना पड़ता है, प्रेसिंग करनी पड़ती है, ऐसा इस क्लोथ ऐसे फैब्रिक पे नहीं आते, रिंकल नहीं आते. डू नॉट श्रिंक. श्रिंक भी नहीं होता आपका, सिकुड़ता भी नहीं है. जैसे कॉटन क्लोथ्स आपके श्रिंक हो जाते हैं, उस तरह से नहीं है आपका श्रिंक नहीं होता. ओके. डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर. वाटर को भी एब्जॉर्ब नहीं करता. और आपका क्रिस्प है. क्लियर? एक टाइट सा रहता है अपना. ठीक है. श्रिंक नहीं होता तो अपनी शेप भी चेंज नहीं करता, जिस शेप में है उसी में रहेगा. क्लियर? तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? कि स्ट्रोंग फाइबर है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलता है आपका, आसानी से वॉश और ड्राई कर सकते हो उसको, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स है, रिंकल भी नहीं होता आपका, श्रिंक भी नहीं होता, वाटर को भी एब्जॉर्ब नहीं करता और क्रिस्प है. इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम क्या करते हैं? पॉलीएस्टर को यूज करते हैं. ओके. अब दो एग्जांपल देखते हैं हम पॉलीएस्टर के जो बहुत ही फेमस हैं और कॉमनली हम यूज करते हैं उनको. फर्दर फिर हम यूजेस करेंगे. ठीक है. टू पॉपुलर एस्टर. दो पॉपुलर एस्टर की हम बात करते हैं. तो फर्स्ट है आपका टेरिलिन
और सेकंड है आपका पैट। क्लियर। पैट की फुल फॉर्म देख लेते हैं। पैट स्टैंड फॉर पॉली इथाइलीन टेट्रा थैलेट। क्लियर। तो क्या है? पी फॉर पॉली, ई फॉर इथाइलीन, टी फॉर टेट्रा थैलेट। यहाँ पे पी आपका साइलेंट होता है, उसको हम प्रोनाउंस करेंगे टेट्रा थैलेट। क्लियर। ओके, तो क्या है, अब इनके यूजेस को स्टडी कर लेते हैं हम, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम इनको। ठीक है, अब जैसे ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता आपका, ठीक है, इजिली वॉश और ड्राई हो जाता है, क्रिस्प है, रिंकल भी नहीं होता, तो इससे हम बहुत इसको यूज करेंगे मेकिंग क्लॉथ्स। क्लॉथ्स बनाए जाते हैं इसके, जैसे कि आपकी जैकेट्स हो गए, सूट्स हो गए, ठीक है, और हम यूज करेंगे रेन वियर बनाने के लिए, जो बारिश के टाइम हम डालते हैं वियर्स, उनके लिए, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता आपका। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कि जैसे रेनकोट वगैरह होते हैं, आप रेनकोट जिस फैब्रिक का बनता है वो क्या है आपका, पॉलिएस्टर। ओके, फर्दर जो पैट है आपका, पैट जो है वो मेनली यूज होता है क्या फॉर्म करने में, बोटल्स बनाने में, आपकी वायर्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में पैट यूज होता है, मेनली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाए जाते हैं इसके यूटेंसिल्स, आपकी फिल्म्स बनाई जाती हैं, वायर्स बनाई जाती हैं और बोटल्स बनाई जाती हैं। क्लियर। वो सब किसकी होती है, पैट की, हो पैट भी क्या है आपका, पॉलिएस्टर। अब कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह, जैसे हमने पॉलिएस्टर देखा, फाइबर से हैं आपके, जो पॉली प्लस एस्टर, दैट्स मीन एस्टर की बहुत सारी यूनिट से बना था कंबाइन होके, ऐसे ही अगर आपका आपको मिल जाए पॉलीकोट, तो पॉलीकोट जो है वो आपका दो से मिलकर बना है, टू फाइबर से मिलकर बना है, किस किस का कॉम्बिनेशन है, पॉली फॉर पॉलिएस्टर एंड कोट फॉर कॉटन, सॉरी कॉटन। क्लियर। तो जो पॉलीकोट है वो पॉलिएस्टर और कॉटन से बना है, इसी तरह से पॉलीवूल वो किससे बना है आपका, पॉलिएस्टर प्लस वूल से, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना है वो क्या है, पॉलीवूल। सेम इस तरह से आपका टेरिकोट है, टेरिकोट तो वो किससे बना है, टेरी फॉर टेरिलिन एंड कोट फॉर कॉटन। क्लियर। तो ये था हमारा पॉलिएस्टर। ओके, फिर से रिवाइज कर लेते हैं पॉलिएस्टर को। पॉलिएस्टर क्या है आपका, एक कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर है, इसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंस यूज नहीं किया है, किससे मिलकर बना है, पॉली प्लस एस्टर से, मतलब बहुत सारी एस्टर की यूनिट को कंबाइन करने से केमिकली आपको क्या मिलेगा, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, और फर्दर हमने देखा जो मिक्स होके बने हैं पॉलिएस्टर से और अदर फाइबर से, पॉलीकोट पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवूल पॉलिएस्टर प्लस वूल, टेरिकोट टेरिलिन प्लस कॉटन, ये आपके क्या थे, पॉलिएस्टर के फर्दर यूजेस, कि पॉलिएस्टर जो फैब्रिक है आपका उसको हम बाकी सबके साथ भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।